हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैमरा साफ नहीं है पापा, सुनिए ना, बुला रही मम्मी। बाहर चलेगा, शूट कर देगा भैया। अरे भैया, बाहर मौसम बहुत मस्त हो गया, मौसम एक नंबर हो गया गाय के। थोड़ा सा बारिश हो गया जिसके कारण मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बहुत दिन से घर पे ही हैं। घर पे रहने के बाद भी दो तीन व्लॉग बनाए हैं और फिर कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ ट्राई किए हैं, तो आप लोग को कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग को भी पता है कि गर्मी कितना ज़्यादा पड़ रहा है, तो गर्मी ज़्यादा होने के कारण दिन में बाहर कहीं नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए गाँव का उतना व्लॉग भी नहीं बन पा रहा है। आज मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, बारिश का मौसम है। जैसा कि आप लोगों को दिखा दें, हल्का हल्का बारिश हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। तो बारिश हुआ है तो थोड़ा बाहर निकलने का मन कर रहा था, इसलिए टी शर्ट पहन लिया है। गर्मी था तो टी शर्ट भी नहीं पहने हुए थे। तो बाहर निकलते हैं, देखते हैं, कैमरा ऑन रहेगा और जो देखेंगे आप लोग को भी दिखा देंगे। तो निकलते हैं बाहर। और बहुत ज़्यादा मन था मेरा म्यूजिकल वीडियो बनाने का, इसलिए म्यूजिकल वीडियो बना करके डाल दिए हैं और मन को संतुष्टि भी हो गया है। तो आप लोग उसको बहुत सारा प्यार दीजिए। अरे वाव, ये बादल कितना मस्त लग रहा है ना। हाँ, ये वाला। अच्छा लगा रही है इसलिए हटने के लिए बोल रही है ऑन। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को कल हम दिखाए थे कि गांव में बारिश हुआ था। कट। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को हम कल दिखाए थे कि गांव में बारिश हुआ था और यहां पे बहुत दिन से हैं और व्लॉग भी डाले हैं, कुछ वीडियो बनाए हैं और क्या बनाए, और डबल एक्टिंग किए हैं, डबल रोल का एक्टिंग किए हैं। तो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कुछ बताते ही नहीं है। चश्मा लगाने का वजह आप लोग समझ ही सकते हैं कि थोड़ा लाज लगता है। ऐसे ठीक लग रहा है, ऐसे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे। इस व्लॉग का ये दूसरा क्लिप आप लोग को लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर व्लॉग नहीं बन पा रहा है। जैसे कि शुरू किए सुबह से, हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, मैंने आज खाना खाया और शाम तक फिर खाना खा करके सो गया और फिर गुड नाइट, आप लोग से कल मिलते हैं, ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं चल रहा है। और आप लोग थोड़ा बताइएगा कि हम चश्मा लगाते हैं तो कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते होंगे तो चश्मा लगा करके ही व्लॉग में आएंगे, और अगर नहीं अच्छा लगता होगा तो कमेंट में हमको दिख जाएगा, उस हिसाब से फिर व्लॉग में आएंगे। और क्या बात करना था, ये सामने में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से व्लॉग बनाए नहीं हैं, तो मतलब अंदर का भड़ास एक होता नहीं है कि वीडियो बनाना है लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, वो जो बीच का गैप है ना थोड़ा। किस तरह से आप अपनी समस्या से निपट सकते हैं और कैसे होम्योपैथी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज काफ़ी दिनों के बाद बारिश हो गया है, तो बारिश होने के बाद गांव का माहौल बहुत ही फ्रेश और बहुत ही क्लीन हो जाता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो मेरा घर है वो बहुत ही अच्छे जगह पे है, क्योंकि यहाँ से ना पूरा लोकेशन इतना अच्छा दिखता है कि आप लोग को भी दिखाने में हमको बहुत मज़ा आएगा। और अभी हम लोग मार्केट गए हुए थे कुछ सामान लाने के लिए, तो वहाँ से हम लोग जब आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा था, तो हम लोग को जगह नहीं मिला रुकने के लिए,
तो भींगते भींगते आ गए और नहा भी लिए यहाँ पे। फोन पूरा भींग गया हुआ था इसलिए कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, क्योंकि वाटरप्रूफ वाला फोन है नहीं, इसलिए फोन निकाल करके व्लॉग नहीं किए, नहीं तो व्लॉग करते तो बहुत मस्त लगता है जितना अभी भींग करके हम लोग आए हुए थे बाहर से। तो अभी बस खिड़की के पास बैठे हुए हैं और यहाँ से जो सीन लगता है बाहर देखने का बहुत मस्त लगता है। देखिए ऐसा लगता है जैसे एकदम पूरा गांव एकदम स्नान कर लिया है। तो पीछे भी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसको क्लीन करके आप लोगों को दिखाते हैं। बाहर निकलते हैं क्योंकि गांव इतना क्लीन लग रहा है तो हाथ रुक नहीं रहा है। अभी बाहर निकले तो बारिश हो ही रहा है इसलिए छाता लेकर के निकलना पड़ रहा है। बारिश खत्म हो जाता है तो फिर छाता लेकर के थोड़ा थोड़ा बारिश में घूमने का मजा ही कुछ और होता है। अभी घर से जस्ट निकले हैं और बाहर निकल के देख रहे हैं तो बगल वाला जो मेरा खेत है वो पूरा भर चुका है। ये वाला पूरा खेत भर चुका है मेरा, और जो खेत भर चुका है उधर से पानी का रफ्तार बहुत ही तेज आ रहा है और जिसका आवाज़ आप लोग को सुनाते हैं। अरे यार हम लोग के गांव में ना जब भी बारिश होता है ना तो कुछ ना कुछ घटना हो ही जाता है, छोटा मोटा ही घटना हो लेकिन घटना हो ही जाता है। ये देखिए और इससे बड़ा घटना दिखाते हैं भाई, ये तो कुआं बन गया हुआ है। बाहर में जा करके रील्स बनाने का भी मन था लेकिन रील्स बनाने के लिए स्टैंड ले जाना पड़ेगा, और जब स्टैंड ले जाएंगे तो फिर गांव का जितना बच्चा लोग है पूरा आके भीड़ लगा देता है तो थोड़ा सा माहौल बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। बाहर से भी आगे घूम करके और बहुत मज़ा आया बाहर घूमने में, और फिर अब वही खिड़की के पास बैठे हैं कहे कि अभी लाइन भी नहीं है, और लाइन रहता है तभी कोई काम होता है, तो अभी बस बारिश का मज़ा ले रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आप लोग को अभी दिखाए हैं तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा मेरे गांव का माहौल रहता है बारिश के बाद। और हाँ एक और बात, आज हम गए हुए थे दाढ़ी बनवाने के लिए लेकिन बारिश इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि दाढ़ी भी नहीं बना पाए, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया हुआ है, जब दाढ़ी सेविंग करा लेंगे। हम एक बार और आप लोग से पूछे हुए थे कि दाढ़ी सेविंग में अच्छा लगता है या ट्रिम में अच्छा लगता है या फिर बियर्ड रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस चीज़ को। और फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय।